नमस्ते दोस्तों, मैं हूं भव्य बोरा और आप सबका स्वागत करता हूं शेयर इंडिया की यूट्यूब चैनल पे। हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए आज बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे, 4 मई वाली एक्सपायरी। मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स ओपन करके रखे हैं। ये है निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट और ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। ये चार्ट देख के एक चीज हम क्लियरली बता सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक अप ट्रेंड में थी। पूरा दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी एक तेजी की तरफ जा रही थी, लेकिन पूरे दिन में जो सबसे बड़ा लर्निंग जो एक्सपायरी का था वो था बैंक निफ्टी में। तो मैं बैंक निफ्टी का चार्ट बड़ा कर देता हूँ। यस, सो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। सो बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1030 से 215 तक एक ही रेंज में रहा है, जो था 43500 से लेके 43300 तक। और जब बैंक निफ्टी ये रेंज में था तब ये दोनों स्ट्राइक्स में जो ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा था वो मैसिव ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा था। 43500 के कॉल में 1.2 करोड़ से भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो चुका था 215 तक, और 43300 पुट में भी 1.2 करोड़ से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो चुका था। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि कुछ साल पहले जब हम मार्केट में ट्रेड करते थे और एक्सपायरी के दिन हम जब ओपन इंटरेस्ट को देखते थे, हम देखते थे कि 40 लैक्स, 45 लैक्स, 50 लैक्स ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है। वो भी कोई एक ही स्ट्राइक में ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता था, जनरली राउंड फिगर वाली स्ट्राइक में। और 50 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट देख के हम मतलब 90% श्योर हो जाते थे कि शायद मार्केट ये क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि 50 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो चुका है और बाकी सारी स्ट्राइक्स में 17, 18, 20, 25 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा था। और आज हम देख रहे हैं कि सारी की सारी स्ट्राइक्स कॉल या पुट एट द मनी से लेके 4-5 OTM तक ओपन इंटरेस्ट सारे में एटलीस्ट 50 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है। और जो रेंज बन रही है वो रेंज में तो 1 करोड़ प्लस ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है। मतलब मार्केट में ऑप्शन सेलर सच्ची में काफी बढ़ गए हैं और ऐसे मार्केट में पैसा कमाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हुए, बैंक निफ्टी 1030 से 215 तक एक ही रेंज में रहा था, जो था 43500 से लेके 43300। अगर मार्केट 43500 से 43300 ये रेंज के बीच में एक्सपायर होती तो ऑप्शन सेलर्स को बहुत ही अच्छे पैसे मिलते। आप समझ सकते हो कि 1 करोड़ प्लस, 1.2 करोड़ प्लस OI बिल्ड हो रहा है, तो काफी अच्छे पैसे मिल सकते थे अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में एक्सपायर होती। लेकिन पिछले कई एक्सपायरी से हम ये देख रहे हैं कि जहां भी OI बिल्ड हो रहा है, अगर वो राउंड फिगर बैंक निफ्टी 2:30 बजे या 2:45 बजे से पहले क्रॉस करता है तो OI में कटिंग आना चालू हो जाता है और वो स्ट्राइक, वो प्रीमियम 2x 3x एटलीस्ट हो जाता है। और ये एक्सपायरी में भी एग्जैक्टली सेम वैसा ही हुआ दोस्तों। 230 को बैंक निफ्टी 43500 के ऊपर गया और 43500 के ऊपर सस्टेन हो रहा था। तभी हम समझ गए थे कि बैंक निफ्टी क्योंकि 43500 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तो यहाँ से 25-30 पॉइंट्स की मूव में भी OI कटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होने चालू हो जाएंगे। और एक चीज दोस्तों, 43500 का कॉल जो था उसका डे हाई, अगर मैं 230 तक की बात करूं तो 230 तक डे हाई था 65 रुपीज का। यानी जितने भी लोगों ने वो कॉल बेचा था इंट्राडे बेसिस पे, वो लोग ने 65 से कम में ही बेचा था, उससे ज्यादा तो बेचा नहीं था। तो ऐसे केस में हमेशा याद रखना दोस्तों कि जैसे ही वो कॉल उस रेंज में पहुंच जाता है जहां लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं और उसको क्रॉस करता है, तो वो कॉल वहां से 2x 3x हो सकता है जैसे एक्सपायरी पे हुआ। और 3 बजे भी एक्सपायरी में बहुत ही अच्छा लर्निंग मिला। अगर आप एक्सपायरी पे 3 बजे के बाद ट्रेड करते हो तो आपने ये देखा होगा कि बैंक निफ्टी स्पॉट जो 3:01-2 पे जो था वो था 43630 के आसपास। इसका मतलब एवरेज भी कहीं 43630-635 के आसपास ही रहा होगा। फिर भी 43600 का कॉल 30 रुपीज प्रीमियम में था और 43700 का पुट जिसका भाव होना चाहिए था अराउंड 65-70 रुपीज, वो था 45-50 रुपीज। सो ये एक कोइंसिडेंस या किसी एल्गो की मिस्टेक नहीं थी,
ये बहुत ही क्लियर सोची समझी हुई कैलकुलेटिव प्राइस की पुट की जो थी 45 या 50 रुपीज। अब ऐसे पॉइंट पे क्योंकि कॉल 30 रुपीज प्रीमियम में था और पुट 20 रुपीज डिस्काउंट में था, हमारे लिए ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इवन इफ हम वो समझ ले कि यहाँ से शायद बैंक निफ्टी और तेजी ही करेगी, फिर भी हमारे लिए एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि क्या हम प्रीमियम वाला जो है कॉल वो बाई करके तेजी करें या फिर जो डिस्काउंट में ऑलरेडी चल रहा है वो बेच के तेजी करें। हम ये दोनों में से कुछ भी कर ले, फिर भी हम वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये सौदा नहीं कर सकते। इवन इफ हमें 43,700 का स्ट्रेडल बेचना हो, यानी 43,700 का कॉल बेचना हो, 43,700 का पुट बेचना हो, फिर भी क्योंकि पुट डिस्काउंट में चल रहा है और कॉल का हार्डली कुछ भाव है, हम ये स्ट्रेडल बेचने में डरेंगे या फिर ये करते वक्त हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा क्योंकि हम ये चीज प्रीमियम में नहीं डिस्काउंट में बेच रहे हैं। तो दोस्तों ये एक्सपायरी बहुत ही स्पेशल रही, और अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे 3 बजे के पहले ही 1.3-1.4% रिटर्न आ रहा था, लेकिन 3 बजे के बाद ये प्रीमियम डिस्काउंट के चक्कर में एक्चुअली मुझे 0.4% लग गया, यानी मैंने लेस देन 1% पे आज क्लोज किया है। फिर भी आई एम सेटिस्फाइड क्योंकि मैंने आज अच्छे पैसे बनाए और मुझे उससे भी अच्छा सीखने मिला। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और शेयर इंडिया की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।